वो लड़ रहे हैं मुझ पर राज करने के लिए, वो लड़ रहे हैं मुझ पर राज करने के लिए, और मैं लड़ रही हूँ खुद पर नाज करने के लिए। और जो मैं आज जो कविता लेके आई हूँ स्पेशली लड़कों के लिए है। तो एक जो है वो ये है कि लड़कों पर जब फॉल्स एलिगेशंस लग जाते हैं, चाहे वो रेप का हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो उसके ऊपर है कि इंसाफ की जंग में अपराध भी है बढ़ रहा, कि इंसाफ की जंग में अपराध भी है बढ़ रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। नारियों के मान को बढ़ाना भी जरूरी है, नारियों के मान को बढ़ाना भी जरूरी है, पर मौजूद किए सत्य की बने पुरुषों की कमजोरी है। न्याय के पीछे अन्याय है पल रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। अपराध को मिटाना कानून का धर्म है, निर्दोष को जलाना सबसे बड़ा जुर्म है। अंधा कानून सत्य के दिल में है खल रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। झूठा आरोप वो मर्द पर लगाती है, निर्दोष एक पुरुष को बलात्कारी बताती है। अपमान का काटा मासूम के पैर में है गड़ रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। वुमेन कार्ड वो बड़े शौक से खेल गई, इज्जत बांटने वाले की इज्जत आज उतर गई। मासूम एक भविष्य जेल की कोठरी में सड़ रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। आज झूठ के तेजाब ने सुनहरा भविष्य जलाया है, स्वार्थ भरे समाज ने बेकसूर को कलंक बताया है। बदले की आग में हर रोज एक अमन बैसला, विष्णु तिवारी और कामराज है जल रहा, समानता की आड़ में पुरुष भी है लड़ रहा। और एक जब हम लड़कों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर जब सोसाइटी जज करती है, तो उस पे है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको लेके जज किया जाता है उनको। तो तुम छोटे हो या लंबे हो, तुम गोरे हो या काले हो, जंगली दाढ़ी वाले या फिर चिकने गाल वाले हो, कहने को सिक्स पैक या डेढ़ हड्डी वाले हो, मर्दाने शरीर के अंदर बेशक कोकिला आवाज वाले हो। केशों की लता बनी हो या बिना बाल वाले हो, 16 इंच का डोला हो या बूढ़े हाल वाले हो, 100 रुपए की नौकरी हो या लाख कमाने वाले हो, हर बात को हंस के भुला दो या रो देने वाले हो, घर वालों की नाराजगी को हंस के पीने वाले हो, तुम शंभू हो, तुम विष्णु हो, तुम ही जग रचने वाले हो। कहने को तुम कट्टर दिल के पर अंतर मन महसूस करने वाले हो, तुम माँ बहन पत्नी की जिम्मेदारी निभाने वाले हो। मत सुनो उन लोगों की कहानी जिसमें तुम जीरो बनने वाले हो, क्योंकि एक दिन तुम अपनी कहानी के हीरो बनने वाले हो।